बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टाइप्स ऑफ एनर्जी। टाइप्स ऑफ एनर्जी: हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, लाइट एनर्जी। टोटल तकरीबन 10 टाइप्स ऑफ एनर्जी। नंबर 6 इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी नंबर 7 है। नंबर 8 पोटेंशियल एनर्जी। नंबर 9 विंड एनर्जी। नंबर 10 काइनेटिक एनर्जी। दीज आर टाइप्स ऑफ एनर्जी। मतलब हमने शुरू में सुना था सिर्फ 3 है, साउंड, हीट और लाइट एनर्जी, लेकिन नहीं, बहुत ज़्यादा इसमें टाइप्स हैं। 10 एटलीस्ट 10 आपको पता होनी चाहिए कि कितनी टाइप्स हैं एनर्जी की। ओके, चलें वन बाय वन हम आज की वीडियो में देखेंगे, लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ हम 5 टाइप्स की एनर्जीज को डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी? हीट एनर्जी, साउंड, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एंड लाइट एनर्जी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1 हीट एनर्जी। थर्मल एनर्जी ऑल्सो कॉल्ड हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस व्हेन अ राइज इन टेम्परेचर कॉजेस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स टू मूव फास्टर एंड कोलाइड विद ईच अदर। द एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम द टेम्परेचर ऑफ द हीटेड सब्सटेंस इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी। जितनी भी आपको यहाँ पे पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, उससे बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हीट एनर्जी हमें किन चीज़ों से मिल रही है, और थर्मल एनर्जी भी हीट एनर्जी कहलाती है। थर्मल और हीट एक ही बात है। नंबर 2 साउंड एनर्जी। साउंड इज एनर्जी दैट वी कैन हेयर। इट इज़ अ टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट इज मेड फ्रॉम द वाइब्रेशन ऑफ मैटर। जितनी भी आवाज़ें हम आसपास सुन रहे होते हैं, ये सब साउंड एनर्जी है। वेरी सिंपल है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज द रिजल्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज बेस्ड ऑन आइदर एन इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन और इलेक्ट्रिकल रिपल्जन बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स। आपके घर में आसपास जितने भी इलेक्ट्रिकल की चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं, वो सारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी उन पे अप्लाई हो रही है। उन पे गौर करें, वो सारे हम जितने भी प्लग ऑन करते हैं, प्लग ऑन करते हैं, वो सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चार्ज होते हैं या फिर ऑपरेट होते हैं। ओके, लाइट एनर्जी। नंबर 3 लाइट एनर्जी। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच आर सेंस ऑफ साइट कैन डिटेक्ट। लाइट एनर्जी क्या है? सिंपल सी बात है, जो हमारी सेंस ऑफ साइट यानी हमें देखने की जो हिस है, वो डिटेक्ट जिस चीज़ को कर ले तो समझे वो लाइट एनर्जी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, बहुत सारी चीज़ें, कैंडल लाइट, मून, स्टार्स और मैच बॉक्स, बल्ब, टॉर्च, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको इसकी एग्जांपल दे रही हूँ। सन, सन भी लाइट एनर्जी के लिए बहुत अच्छी, सबसे बड़ी सोर्स ऑफ हीट कह लें, सन सबसे बड़ी एग्जांपल है। केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी इस एनर्जी स्टोर इन द बॉन्ड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बैटरीज, बायोमास, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड कोल आर एग्जांपल्स ऑफ केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू थर्मल एनर्जी व्हेन पीपल बर्न वुड इन अ फायरप्लेस और बर्न गैसोलीन इन अ कार इंजन। केमिकल एनर्जी हम अपने ऊपर भी अगर गौर करें तो जो हम खाना खाते हैं, जब वो फूड पार्टिकल्स जो हैं वो हम डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद हमें जो एनर्जी मिलती है ना, वो किस वजह से मिलती है? केमिकल प्रोसेस हो रहा होता है हमारे स्टमक में। जो चीज़ हम खाते हैं वो जब हम हज़म कर लेते हैं, उसके बाद जो एनर्जी मिलती है वो उस केमिकल प्रोसेस की रिज़ल्ट के तौर पर मिलती है, ताकि हम उसको जो भी हज़म करते हैं, जो खाना खाते हैं, उसको बिल्कुल वो डिज़ोल्व हो जाता है, उससे फिर एनर्जी, उस अमल को, उस प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ओके, अब गाड़ियों में गैसोलीन और क्या कहते हैं, पेट्रोल, सीएनजी, ये सब चीज़ें आप लोगों ने गौर से देखी होंगी, तो ये भी एक टाइप की क्या है, केमिकल एनर्जी। क्योंकि जब हम पेट्रोल डलवाते हैं गाड़ी में तो वो इस काबिल होती है कि चल सके। वैसे भी आपको पता है एनर्जी क्या होती है। एनर्जी किसी भी काम को करने की सलाहियत को हम कहते हैं एनर्जी। ठीक है, द एबिलिटी टू डू वर्क। कोई भी काम हम करते हैं तो उस चीज़ को, मतलब उस चीज़ की सलाहियत को क्या कहते हैं, एनर्जी है। थैंक यू सो मच।